प्रदेश सरकार लोगों को उत्तम स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए भले ही तरह तरह के दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर स्थितियां विपरीत हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा का एक मामला सामने आया है। उप जिला अस्पताल का यह मामला है, जहां दर्जा प्राप्त शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से मुहैया कराई जा रही हैं, इसकी वानगी आज देखने को मिली है। एक बीमार महिला को इलाज के लिए उसके परिजन जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो नर्स ने ड्रिप लगा दी, जिसके कुछ ही समय बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। महिला की तबीयत बिगड़ने पर ड्यूटी डॉक्टर ने चेकअप कर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया। मामले को लेकर महिला पेशेंट के पुत्र ने सीएचसी प्रभारी से शिकायत करी। युवक का आरोप है कि शिकायत करने पर उससे बात को यहीं पर दबाने के लिए कहा गया और धुतकार कर भगा दिया गया। राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 15 निवासी युवक हिमांशु ने कहा कि उनकी माँ को हल्का बुखार था। दोपहर शुक्रवार को ही तकरीबन 12 बजे के आसपास माँ उन्हें दिखाने के लिए राजाखेड़ा सरकारी अस्पताल गए। युवक का आरोप है कि अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर के कहने पर हॉस्पिटल के ऊपर के वार्ड में मौजूद एक प्राइवेट नर्स ने उनकी माँ को ड्रिप लगाई, जिसके कुछ ही समय बाद उनकी माँ की तबीयत और बिगड़ गई। इसको लेकर डॉक्टर ने कहा कि कुछ देर के लिए ड्रिप बंद कर दी और इसके बाद 20 मिनट के बाद ड्रिप को चालू कर दिया। 5 से 7 मिनट में पूरी ड्रिप चढ़ा दी। ड्रिप के चढ़ते ही उनकी माँ की तबीयत और बिगड़ने लगी, जिसको लेकर उन्होंने प्रभारी अधिकारी से शिकायत करी तो उन्होंने यह कहा कि इसको यहीं पर खत्म करें और उसे धुतकार कर भगा भी दिया। महिला की बिगड़ी हालत को देखकर चिकित्सकों के हाथ पैर भी फूल गए। आपको बता दें, ड्रिप पे चढ़ने के बाद महिला की बिगड़ती हालत जैसे ही चिकित्सकों के सामने आई, ड्यूटी चिकित्सक के द्वारा थोड़ी देर पर पीड़ित महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद रिकॉर्ड कार्ड थमाकर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर तुरंत कर दिया गया। देखना यह होगा कि इन सभी घटनाओं और लापरवाही पर लगाम कब लगेगी। देखिए मनोज राघव के साथ रिपोर्ट। मेरा नाम हिमांशु है, मैं रायखेड़ा यहीं पे रहता हूँ, क्या कहते हैं मरमा की कोठी के पास। क्या कराने आए थे? मैं अपनी माँ का इलाज कराने आया था, तो इनने बोतल चढ़ाई थी काफी दिन से चक्कर। किसने चढ़ाई थी बोतल? ऊपर यहाँ पे जो क्या कहते हैं जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे ड्रॉप चढ़ती है, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने ड्रिप चढ़ाई थी। तो जो वहाँ पे प्राइवेट उनकी जो खुद की नर्स थी या क्या था मुझे नहीं पता, जब नीचे पूछ रहा हूँ तो वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई डॉक्टर नर्स हमारे यहाँ कोई काम नहीं करती लड़की। तो वो लोग उन्होंने चढ़ाया, पहले ड्रिप लगाई, फिर आराम से चढ़ाया, फिर कुछ नहीं, कोई आराम नहीं मिल रहा था। और पता, पेन हो रहा था मेरी माँ को बार बार, एक ही जगह पे पेन हो रहा था। उन्होंने कहा कि पेन हो रहा है, उन्हें लगा साइकोलॉजी का पेन है, उन्होंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चालू कर दिया 20 मिनट बाद, और मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर वो ड्रिप चढ़ा दी, जिसके बाद मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। बीसीओ पास गया, उसने क्या कहा? बीसीओ मतलब जो ऊपर चढ़ा रहे थे वो, बीसीओ साहब के पास जिनपे कंप्लेंट की थी जी। उनके पास गया मैं, उनसे बोला तो उन्होंने कहा ऐसी तो कोई हमारे यहाँ काम नहीं करती है। पर फिर मैं चेक कराया, फिर कुछ नहीं, वहाँ के आसपास के जो उनके लोग थे उनके साथ भेजा था, उन्होंने कहा कुछ नहीं, इस बात को दबा दो, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा रियलिटी में बोला था मैं, इस बात को दबा दो, हाँ कोई बात नहीं है, बाकी होता है ऐसा, रिएक्शन कर जाती है, और अभी तक कोई आराम नहीं है। और उन्होंने मेरी बात को दिलकार दिया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी तक। बस खाली दिलकार दिया? हाँ बिल्कुल दरकार दिया सर।